Hello student, today we see again numericals based on the Rouse criteria. Okay, so see, this is the numerical, that is a unity feedback system is characterized by the open loop transfer function, that is g of s is equals to k s plus 13 upon s plus 3 s plus 7. Using Rouse criteria, calculate the range of value of k for the system to be stable. Okay, so see the solution. First of all we write, as the system is unity feedback, means at the starting of this question we know that he already told that this problem will as a यूनिटी फीडबैक सिस्टम मीन्स क्या है आपका एच ऑफ एस जो है क्या रहेगा इट इज वन. सो वी राइट इन सोल्यूशन दैट इज एज अ सिस्टम इज यूनिटी फीडबैक देन एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू वन. देन आफ्टर दैट वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज द वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू जीरो. अभी क्या करेंगे यहाँ पे आपका एच ऑफ एस तो क्या है वन है. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग जी ऑफ एस की. ये है आपकी वैल्यू जो कि आपका प्रॉब्लम है जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू दिस. सो वन राइट एज इट इज. सो वन प्लस जो भी प्रॉब्लम है आपका के एस प्लस 13 अपॉन एस प्लस 3 एस प्लस 7 इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, इन दिस वे आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करते समय हम लोग कैसे करेंगे इसका फिर से क्या लेंगे एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम लिया तो क्या होगा जो भी डिनोमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा ये वाला. ओके, सो सी हाउ टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर आपको वैसे के वैसे लिखना है दैट इज एस प्लस 3 एस प्लस 7. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या होगा s प्लस 3 देन s प्लस 7. ओके, आफ्टर दैट क्या ये प्लस वैसे ही रहेगा. अभी ये क्या होगा ये वैल्यू आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये टर्म अवेलेबल है. सो ये वाली टर्म वैसी रहेगी. सो k s प्लस 13 आएगा. ओके, सो ये वैल्यू आ गई. उसके बाद में इक्वल्स टू क्या रहेगा जीरो रहेगा. अभी ये क्या करेंगे हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है इसको कहाँ भेजेंगे इधर भेजेंगे. सो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा. सो कैसी टर्म होगी अपनी सॉल्व करने के बाद जो है आपका टर्म आएगी ये साइड में सिर्फ ये वैसे ही रहेगा जो कि हम लोगों ने न्यूमिनेटर में जो है यहाँ पर लिखा था. तो ये वाली टर्म है ये वैसी रखी. डिनोमिनेटर वाली टर्म कहाँ पे जाने वाली है ये यहाँ पे जाएगी मल्टीप्लीकेशन में. सो ये जो भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखी थी ये वाली क्या है s प्लस 3 और s प्लस 7 ये इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगी. अगर ज़ीरो को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा इधर ज़ीरो आएगा. सो लास्ट में जो आपका वैल्यू आ रहा है देखो क्या आ रहा है ये वाली इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. ओके, ये ज़ीरो आएगा. ज़ीरो कैसे है आपको पता चल गया और ये वैल्यू भी कैसे आई पता चल गई है. यहाँ पे सिर्फ एलसीएम का जो है आपको फॉर्मूला लगाना है. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है ये जो एस है ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होगा. सो क्या होगा ये एस स्क्वायर बाद में ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा. सो 3s. ओके, बाद में ये जो है वैल्यू टर्म वैसी ही लिखनी है जैसी कि तैसे. नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको नेक्स्ट इसमें देखो अभी ये जो टर्म्स है इसको हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर के इसमें अरेंज करना है. सो हाई ऑर्डर आपका पता है s क्यूब है. सॉरी, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा पहले ये दो जो ब्रैकेट है ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. सो सबसे पहले एस स्क्वायर को मैं ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा देखो एस क्यूब सबसे पहले एस को मल्टीप्लाई किया सो एस क्यूब बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया दो 7s स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखो क्या होगी ये जो 3s है
थ्री एस को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, थ्री एस स्क्वायर देन दिस दैट इज 21s. ओके, इसको हम मैं क्या करूँगी, के को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो के एस और ये होगा 13k. ओके, इस तरह ये सॉल्व करना है. उसके बाद में हाई टू लो ऑर्डर में अरेंज करना है. सो एस क्यूब हाईएस्ट ऑर्डर है. उसके बाद में देखना है स्क्वायर की टर्म कहाँ कहाँ पे है. ये दो स्क्वायर की टर्म है. सो 7 + 3 इट इज़ अ 10s स्क्वायर. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एस की टर्म कहाँ है, एस की टर्म ये वाली है, तो इसमें से हम लोग एस कॉमन निकालेंगे तो सो क्या बचेगा, 21 + k, और जो लास्ट का कॉन्स्टेंट है दैट इज 13k, ये वैसे की वैसी रहेगा. ओके, सो ये आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया है. ये इक्वेशन के ऊपर से आपको फिर से राउल्स कोएफिशिएंट या फिर राउल्स सॉरी निकालने हैं. सो a0 देखो क्या होगा, दैट इज 1, इसका कोएफिशिएंट. a1 का कोएफिशिएंट, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 10, सो a1 इज 10. आफ्टर दैट a2 यहाँ पे क्या रहेगा, s का कोएफिशिएंट क्या है, 21 + k. आफ्टर दैट a3 दैट इज कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, दैट इज 13k. ओके, इस तरह आपको ये कोएफिशिएंट्स जो राउत सर है वो लिखने हैं. उसके बाद में राउत सर के कोएफिशिएंट निकल जाने के बाद अभी ये ज़ीरो आपको पता है कितना है, दैट इज़ 1. सो ये ज़ीरो लिख दिया इधर. नेक्स्ट है आपका दैट इज़ a2, सो a2 लिख दिया इधर. ओके, उसके बाद में है a1, ये भी लिख दिया इधर a1, और उसके बाद में है देखो दैट इज़ a3, सो a3 भी लिख दिया इधर. ओके, सो इन दिस वे आपको ये क्या करना है, राउत सरे में ये जो कोएफिशिएंट्स निकाले वो एंटर करना है. ओके, उसके बाद में क्या करना है आपको, वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ अगेन b1. ओके, सो b1 का आपको फॉर्मूला पता है, दिस सॉरी क्या है आपका b1 का फॉर्मूला, दैट इज़ दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 10. सो देखो क्या है b1 का फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे लिख लिया, वैल्यू भी पुट कर दी उसमें. सो इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या हो रहा है, ये 10 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद लास्ट में आंसर आ रहा है ये. सो आपका b1 आंसर आ रहा है दैट इज़ 2010 माइनस 3k अपॉन 10. ओके, इस तरह आपको b1 निकालना है. उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट करके c1 निकालना है. ओके, सो c1 निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या है c1 निकालने का फॉर्मूला, दैट इज दिस मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे लिख लिया देखो दिस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाई, सो क्या होगा, माइनस ऑफ 0 रहेगा इधर, डिवाइडेड बाय दिस, सो डिवाइडेड बाय दिस. ओके, इस तरह जो है c1 का मैंने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट कर दी. सो क्या हुआ देखो, यहाँ पे 0 है तो हम लोग नहीं लिखना है. सो ये वाला वैल्यू कट जाएगा. सो क्या बचेगा, दैट इज़ 13k. सो c1 का भी वैल्यू आपका निकल गया. अभी इस पर से आपको रेंज निकालनी है. सो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी k है, फर्स्ट रो या फिर सेकंड कॉलम में, उस पे से आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k. सो फर्स्ट कॉलम में देखो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है. सेकंड कॉलम में यहाँ पे है क्या, नहीं है. सो आपको सिर्फ दो ही रेंज कंसिडर करके वैल्यू निकालनी है. सो फर्स्ट रेंज मैंने यहाँ पे कंसिडर की, दैट इज़ 13k ग्रेटर दैन 0. सो 13k ग्रेटर दैन 0 लिख लिया तो k एक साइड में जाएगा. सो 0 डिवाइडेड बाय 13 मैंने लिख लिया. सो एनी नंबर डिवाइड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज़ 0. सो k ग्रेटर दैन 0. सो एक रेंज आ गई है. सो नेक्स्ट रेंज आपको कैसे निकालनी है देखो. नेक्स्ट रेंज के लिए आपको नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज़ दिस. सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर कर ली. सो क्या होगा फिर इधर, 210 माइनस 3k अपॉन 10. ओके, यहाँ पे 10 ही आएगा, k नहीं है. ओके, बाय मिस्टेक हो गया वो. ओके, सो 10 ग्रेटर देन 0. बाद में क्या हो रहा है, ये जो 10 है ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. सो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वैल्यू वैसे ही रहेगी. ओके, उसके बाद में क्या होगा, ये जो निगेटिव वैल्यू है मैं यहाँ पे
शिफ्ट कर दूंगी तो क्या होगा, 210 ग्रेटर देन 3k। उसके बाद में ये 3 जो है मैं क्या करूंगी, नंबर है इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लूंगी। सो क्या होगा, 210 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन के। ओके, अभी ये कितना आएगा, 70 आएगा। सो आपकी रेंज आ गई है 70 ग्रेटर देन के। इस तरह आपको दो रेंज मिलेगी, एक है 0 लेस देन के और नेक्स्ट है लेस देन 70। ओके, इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।